हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोटोरोला मोबाइल में प्ले स्टोर नहीं चल रहा है, चालू नहीं हो रहा है, नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आप सही कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, सर्च बार मिलेगा तो सर्च बार में क्लिक करके आपको लिखना है ऐप। अगर आप सर्च बार में ऐप लिखेंगे तो ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, या ऐप्स नाम की, जहां पर सभी ऐप रहते हैं। आप इनमें से किसी पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, जहां पर सभी ऐप रहते हैं यहां पर आप आ जाएंगे। तो गाइस, अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको सेटिंग में जाना है, फिर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर चेक करना है, तो एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या माई ऐप्स, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं, इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो सर्च बार में क्लिक करके अगर लिखेंगे गूगल, तो गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है, या फिर अगर यहाँ से देखिए सर्च बार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको आना है थोड़ा नीचे जी पर, जहाँ जी पे गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, फिर स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से क्लियर डेटा और ओके कर देना है। कोई भी ऐप हुआ आप क्लियर डेटा कर सकते हैं गाइस। फिर आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देना है। अब आपको बैक आना है। अब इसी प्रकार ऊपर एक ऐप मिलेगा गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ से स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करके यहाँ से भी आपको इसे क्लियर डेटा यहाँ से कर देना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप इतना कर देते हैं, फिर आपको बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पर। और गाइस, अब आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। इस प्रकार ओपन होगा कुछ सेकेंड में। फिर सर्च बार में क्लिक करके जो ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सर्च कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर फेसबुक है, फेसबुक लाइट। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखना, देखिए इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ओपन करके चला सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप प्ले स्टोर को सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।